पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, ब्रह्म विद्या के इस पांचवें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने जो समझा वो ये है कि हम कर्म बनाते जाते हैं। जैसे हम जीते हैं तो हम अपने एक्शंस, अपनी वाक शक्ति से, वाणी से, इमोशन से, विचारों से, चारों लेवल पे हम कर्मों का जनरेशन कर रहे हैं। ये सारे इतने सारे कर्म जो हैं वो स्टोर हो रहे हैं एक जगह पर, और उसको हमने बोला है संचित कर्म। संचित कर्म का एक हिस्सा जो निकल के आता है वो प्रारब्ध कर्म के रूप में उसको हमने नाम दिया हुआ है, और वो प्रारब्ध जो कर्म है वो एक जन्म के लिए फिक्स्ड होता है, मतलब अलॉटेड होता है। ये हमने पिछली बारी इसको समझा। जो प्रारब्ध कर्म के दो और हिस्से जो हमने समझे थे, एक था दृढ़ और एक था अदृढ़। दृढ़ का मतलब जो फिक्स्ड, और अदृढ़ का मतलब जो मॉडिफाइबल है। दृढ़ जो होता है वो तो ऐसा कर्म है जो आएगा ही आएगा। अब किसी की मौत अगर आनी है किसी तरीके से जो कि फिक्स्ड है, तो वो मौत आएगी, उसको कहा गया है दृढ़ प्रारब्ध कर्म। पर किसी की मौत अगर अदृढ़ है, यानी वो अपने मौत को टाल सकता है अपने एक्शंस के द्वारा। कैसे? जैसे कि एक व्यक्ति, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर हैं यूएस के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका भी। वो जो डॉक्टर हैं उनकी पूरी फैमिली के अंदर हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स थे, और उनके जितने भी मेल मेंबर थे फैमिलीज़ के, वो उनके अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अपने जो जितने भी चाचा ताऊ वाऊ सब थे, वो 50 साल की उम्र क्रॉस नहीं कर पाते थे। 50 ईयर से पहले ही उनको हार्ट अटैक होके और वो चल बसते थे। अब ये साहब जो थे ये सर्जन हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं वो, अमेरिका में क्लीवलैंड क्लिनिक के अंदर वो सर्जरी करते थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सर्जरी के। तो उन्होंने देखा, समझा कि अब उनका भी टाइम आ रहा है, तो क्या करें। तो उन्होंने स्टडी करी और कि भी हार्ट डिजीज़ को मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरी जेनेटिक मतलब हार्ट डिजीज़ जीन्स में चलती है, हेरिडिट्री होती है, और इतनी खासकर अगर ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे ऐसी हिस्ट्री है फैमिली की जहां पे लोग मृत्यु हो रही है। तो वो उन्होंने क्या करा, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करा। उन्होंने तेल खाना बंद कर दिया और उन्होंने वेजिटेरियन फूड या वीगन फूड कहेंगे हम, वीगन का मतलब कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लिया। जैसे दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, और साथ में छाछ हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, ये उनका मंत्र था कि खाना जो रिफाइंड ना हो और प्लांट बेस्ड हो, वो लिया। जैसे तेल है, हम जब मूंगफली का तेल लेते हैं या सोया का तेल लेते हैं या सनफ्लावर ऑयल लेते हैं, तो ये जो तेल हैं ये निकाले जाते हैं, तो निकालने के बाद में बाकी चीज़ों को फेंक दिया। जैसे बादाम को आप कोल्हू में चलाएंगे ना उसको, तो जो बचेगा जो तेल होता है वो तो निकल जाता है एक्सट्रैक्ट, बाकी जो चीज़ फेंक दी जाती है। उन्होंने बोला ये ठीक नहीं है, आप बादाम खाओ या तो पूरे। तेल उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि रिफाइंड उन्होंने बंद कर दिया, कोई भी चीज़ को रिफाइन नहीं करना। तो होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट उन्होंने स्टार्ट करी, मॉडरेट एक्सरसाइज स्टार्ट करी, तो उनको एक बड़ी ही अजीब वो चीज़ मालूम पड़ी, अजीब व गरीब चीज़। क्या कि एक तो वो 50 साल को क्रॉस कर गए, उनको हार्ट प्रॉब्लम की कोई सिम्टम्स नहीं आए, उनकी अपनी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी हो गई, साथ साथ उन्होंने ये एक और चीज़ देखी कि उनकी सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो गई। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला हो सकता है कि ये मेरी डिस्कवरी है कोई नई चीज़ की। तो उन्होंने अपने ही वहाँ पे हॉस्पिटल में
जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, जो दिल के डॉक्टर थे, उनको बोला कि आप मेरे को वो सारे मरीज़ दे दीजिए जो आपके हिसाब से लास्ट स्टेज पे हैं, मतलब दो दो तीन तीन हार्ट अटैक आ चुके हैं, आप वो किसी टाइम जा सकते हैं, वो जिसको आपने बोल दिया कि भाई हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, दवाई खाओ, भगवान का नाम लो, बच गए तो बच गए। ऐसे जो लास्ट स्टेज जिस पर आपने छोड़ दिया उनको मुझे दे दो, तो वो दे दिया गया इनको। इन्होंने भी उनकी भी लाइफस्टाइल को ऐसे ही चेंज करवाया, अपने घर में बुलाते थे उनको, फ़ोन करते थे उनको, पक्का बना के रखा कि वो डिविएट ना करें उस लाइफस्टाइल से। और 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने पाया कि उनकी हार्ट डिजीज़ रिवर्स हो गई। फिर उन्होंने इसको छापा, इस पूरे फाइंडिंग्स को, और फिर उन्होंने किताब लिखी, हाउ टू रिवर्स हार्ट डिजीज़। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रारब्ध भी ऐसा है कि एक बीमारी आपको मिलने वाली है क्योंकि वो हेरिडिटी चल रही है, तो भी उसको रिवर्स करा जा सकता है अगर हम उस पर जुट के लगें, और अगर वो अधृद प्रारब्ध कर्म है तो हम करने में सफल हो पाएंगे। अगर वो दृढ़ है, फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो फिर बात अलग है, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, मगर कोशिश हमारे हाथ में है। और जब हम कोशिश करते हैं तो हम नए कर्म पैदा कर रहे हैं, जब हम नए कर्म पैदा कर रहे हैं, नई फोर्सेस जनरेट कर रहे हैं, तो हम पुराने जो रिजल्ट्स हैं जो हमारे को आ रहे हैं उनको चेंज करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। कम से कम ये तो बात कॉमन सेंस में आती है कि मैंने कुछ पहले करा और वो मेरे को आ रहा है, जैसे कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसमें एक गाड़ी आके मुझे ठोकेगी, मुझे मारेगी, वो गाड़ी मैंने ही चलाई थी पिछले जन्मों में कर्म ऐसे करके, तो वो अब मेरे को आ रही है और मैं चल रहा हूँ और मुझे आभास है कि मेरे को कोई आके ऐसे टक्कर मार सकती, यानी कि मेरे को इतनी समझ तो आ गई कि हेरिडिटी से मुझे बीमारियाँ आ सकती हैं, तो मैं क्या करूँ, अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज ऐसा करूँ कि वो जो गाड़ी आ रही है वो भी सीधी निकल जाए और मैं भी साइड से निकल जाऊँ। अगर तो मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ ऐसा करने में, तो मैंने वो कर्म का जो फोर्स था उसको चेंज कर दिया, उसका जो फल था उसमें चेंज ले आया, ये अपने आज के कर्म करने से। ये जो फ्रेश कर्म मैं जो कर रहा हूँ इसको बोला गया है क्रियामान कर्म। क्रियामान जो मैं क्रिया में अभी आज की डेट पे कर रहा हूँ, इस ये मेरे हाथ में है, ये मैं इसको करने के लिए फ्री हूँ। याद रखिए हमने क्या बात करी थी 4 ऑब्जर्वेशंस में, हमने 4 ऑब्जर्वेशंस में ये बात करी थी कि यूनिवर्सल लॉज हैं, दुनिया में अलग अलग नाना प्रकार के लोग हैं, और हम अब जानते हैं कि वो नाना प्रकार के लोग क्यों हैं, क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म उनको नाना प्रकार की सिचुएशंस में पैदा कर रहे हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के साथ, अलग अलग एबिलिटीज़ के साथ, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जेंडर में, तो वो पैदा हो रहे हैं अपने पुराने कर्मों की वजह से जो प्रारब्ध में उनको मिल रहा है। यूनिवर्सल लॉज और प्रारब्ध कर्म से जो हमारी वैरायटी हमने देखी, देखते हैं कि ये जो हमने तीसरी बात करी थी कि यूनिवर्सल लॉज में पेनल्टी नहीं होती, तो हमने उसकी बात करी कि ये परफेक्ट जस्टिस है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें फल आएगा, तो ये जस्टिस हो गई। और चौथी बात जो ऑब्जर्वेशन हमने करी थी कि हमारे पास फ्री विल है, ये जो फ्री विल है यही फ्री विल है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं कि क्रियामान कर्म जो है, यानी वो फ्री विल, वो मन मर्जी, वो मेरे हाथ में इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता कि मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, मैं जो एफर्ट लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, या ना लगाना चाहूँ तो ना लगाऊँ, वो भी एक टाइप का कर्म है। कि जो मुझे करना है वो मैं ना करूँ, वो भी एक टाइप का कर्म है, ना करना भी एक कर्म है। तो जो कुछ भी है मेरे हाथ में है, तो अगर मैं कुछ नए फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करता हूँ कुछ मेहनत करके, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, तो मैं फिर उस कर्म, संचित कर्म जो कलेक्टिव कर्म है उसको अफेक्ट करता हूँ, उसके अंदर एक मैं एडिशन कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं चीज़ों को डाल रहा हूँ और चेंज कर रहा हूँ। इसको ऐसा समझे कि अगर मैंने अपनी मेहनत से, मेरी अब मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी की मेरी EMI 10,000 रुपये महीने जा रही है, अगर मैंने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने 15,000 रुपये दे दिए, तो मैंने अपना जो लोन अमाउंट है उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। तो अगर मैं वो जल्दी से ख़त्म करता हूँ तो उतनी जल्दी मैं गाड़ी का मालिक जल्दी हो जाऊँगा, तो मैं फ्री हो जाऊंगा, गाड़ी मेरी बंधी नहीं रहेगी उस बैंक के साथ में। तो ये एग्जांपल है छोटा सा कि अगर हम अपना जो संचित कर्म है
उस संचित कर्म के अंदर जो क्रियामान कर्म है उसको हम जब करते हैं तो उसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं, और इसी क्रियामान कर्म से हम जो प्रारब्ध कर्म हमें मिला है, प्रारब्ध कर्म में कुछ चीज़ें जो फिक्स्ड हमने बात करी, जैसे कि मैं अगर एक आदमी मेल पैदा हुआ हूँ, पुरुष पैदा हुआ हूँ, तो वो तो फीमेल नहीं होने वाला। मैं अगर एक मेरे माँ बाप जो मुझे मिले वो चेंज नहीं हो सकते, जिस जगह पे मैं पैदा हूँ उसको तो मैं पीछे जाके चेंज नहीं कर सकता। जो बातें मैंने बोली ना 90% में पिछले एपिसोड में, 90% प्रारब्ध कर्म जहाँ हम पैदा हो रहे हैं, जिस कंडीशंस में हम पैदा हो रहे हैं उससे रिलेटेड होता है, वो फिक्स्ड है, उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मगर जो चेंज कर सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है पूरा, उसके लिए तो हमें पूरा एफर्ट लगाना है। मान लीजिए एक बच्चा है, उसकी याददाश्त जो है बहुत अच्छी नहीं, मेमोरी पावर कम है, उसके अंदर अटेंशन का एक डिसऑर्डर है कि भाई बहुत जल्दी उसकी अटेंशन इधर उधर होती है, मतलब कि वो एक जगह फोकस नहीं कर सकता। तो उसको ट्रेनिंग देके, उसको स्पेशल तरीके से प्रिपेयर करके हम उसका ये आदत को चेंज कर सकते हैं। हम सब मनुष्य जो हैं आदतों के पुतले हैं, ऐसा हम सोच लें, हमारे अंदर आदतें हैं। आज की मॉडर्न ज़माने में इसको बोला गया है कि हमारे यहाँ पे जो ब्रेन में नेटवर्किंग हो चुकी है वो फिक्स हो गई, एक टाइप का पैटर्न बन गया ब्रेन के अंदर। जैसे आप डॉक्टर जो डिस्पेंसर की किताबें पढ़ेंगे वो कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक व्यक्ति की ऑलमोस्ट जो उसकी सोचने की, समझने की, जो उसकी पर्सनैलिटी है वो करीबन करीबन फिक्स हो जाती है। मतलब अब वो उसका बिहेवियर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसे वो बिहेव करेगा। तो ये फिक्सेशन हो जाती है, हमारी आदतें जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट फिक्स हो जाती हैं, क्योंकि कंडीशनिंग जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो हम लोग रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। तो ये जो फिक्सेशन आती है ये फिर कर्म भी फिक्स पैदा करती है, पर क्रियामान हमारे हाथ में फिर भी है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपने क्रियामान से अपने आप को चेंज ना कर सके। मैंने जैसे एग्जांपल लिया बच्चे का, मेमोरी का, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, जैसे ही किसी ने कुछ मेरी तरफ ऐसे करके देखा तो मैं एकदम उस पर चढ़ जाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता। तो हम बाहर के देशों में एंगर मैनेजमेंट क्लासेस और बहुत सारे जो बिहेवियरल थेरेपीज हैं हमने उसके बारे में सुना है, इन सब से फ़र्क पड़ता है। जब व्यक्ति को मालूम हो गया कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, मैं इसको बदलना चाहता हूँ, तो कौन सी ताकत है जो उसको चेंज नहीं कर सकती, जो उसको रोकेगी कि भाई चेंज ना लेके आ जाए। सब चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं हम किसके माध्यम से करते हैं? क्रियामान कर्म से। यानी हमारे पास में ये पावर है, ये फ्रीडम है कि हम जो अब कर्म बना रहे हैं, हम बना कर जो हम कर्म का जो हमारे पे असर आ चुका है उसके रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जल्दी गुस्सेल व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उसके अंदर हम अपना ही नुकसान कर देते हैं, तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अब अगर कुछ बचपन से आदतें मेरी ख़राब हो गई, थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि मैं अब सिगरेट स्मोकिंग का अडिक्ट हो गया हूँ, एल्कोहल का अडिक्ट हो गया हूँ, और आज की डेट में अगर हम देखें मोबाइल का अडिक्ट हो गया। अब मोबाइल के बिना हर एक 10 सेकंड, 15 सेकंड, मिनट बिना मोबाइल को बिना देखे मेरे को आराम नहीं पड़ता, अगर मोबाइल में से छीन लो तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो एडिक्शन हो गई है मोबाइल की, सिगरेट की, किसी भी चीज़ की एडिक्शन जो हो गई है, हमें लगता है अब इसके बिना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है जीना। क्या वाकई में ये सच है? ये सच तो नहीं है। हम अपने क्रियामान कर्म से, यानी हम अपने एफर्ट से ये भी चेंज कर सकते हैं। हम स्मोकिंग भी छोड़ सकते हैं, हम अल्कोहल भी छोड़ सकते हैं, हम मोबाइल की आदत भी छोड़ सकते हैं। क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते हैं? जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं वो है कि हमारी उम्र बढ़ रही है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हालांकि लोग अब कोशिश कर रहे हैं, बहुत अमीर अमीर लोग, कि किसी तरीके से अपनी जो है एज को, जो एज की जो बढ़ने की जो गति है उसको कम कर दें, एज की जहाँ पे भी पहुँच गए उसको रिवर्स भी करने की बात कर रहे हैं। फिर हम अपने जो बॉडी में जो चेंजेस हैं और जो हमारे आसपास जो चेंजेस हैं, जैसे कि
हमारी बॉडी साइकिल्स में चलती है और प्रकृति भी साइकिल्स में चलती है। तो अगर अभी दिन है और जैसे रात आएगी तो हम दिन को रात में चेंज करने से रोक नहीं सकते। हमने बात करी ना, यूनिवर्सल लॉज है, हमको रोक नहीं सकते। हमारी बॉडी भी यूनिवर्सल लॉज के हिसाब से चलती है। हम कोशिश तो करते हैं मॉडिफाई करने की, मगर कुछ लिमिट तक ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारे लिटरेचर में सनातन के कायाकल्प की बातें आती हैं। हो सकता है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हों जो कुछ गिने चुने लोग को आती हों, वो शायद कर पाएं, उनके बारे में हमें पता नहीं है। उसमें भी क्रियामान कर्म का हिस्सा आता है। बिना क्रियामान कर्म के कुछ भी चेंज लाया नहीं जा सकता। क्रियामान कर्म के माध्यम से ही हम जो हमारे कर्म हमें जो आ चुके हैं उसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। और नए कर्म जो हम बना रहे हैं, हम वो कैसे कर्म बना रहे हैं, वो भी हमारे ही हाथ में है। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर मैं लोक के कल्याण के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ अच्छी सोसाइटी में चीज़ें डाल रहा हूँ फोर्सेस को, चाहे वो एक बॉडीली लेवल पे हो, यानी मैंने कोई दान करा, किसी ऐसी संस्था को दान करा जो छोटे बच्चों को, गरीब लोगों को हेल्प करती है, कोई मैंने प्याऊ खोले, कोई मैंने धर्मशालाएं खोली, कोई मैंने मंदिर बना, कुछ भी, कोई स्कूल बनाया, कोई पार्क बनाया, कुछ भी मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं जो फिज़िकल लेवल पे बहुत सारे लोगों को हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, उनको सहायता देती हैं, तो ये मैंने एक अच्छा कर्म करा। इसका फल भी ऐसे ही जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। कुछ काम अगर मैंने गलत करे हैं अपने फ़ायदे के लिए, किसी का नुकसान करा है, किसी पर हिंसा करी है, किसी के साथ झूठ बोला है, किसी की चोरी करी है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे फल पैदा कर रहा हूँ कि मेरे साथ भी ये होने वाला है, मेरे साथ भी हिंसा होगी, मेरे साथ भी लोग झूठ बोलेंगे और मेरे ही चोरी होगी, फिर मैं किसको दोष दूंगा, मैं ही हूँ। तो आज जो मैं क्रियामान मेरे हाथ में है, फ्री विल मेरे हाथ में है, तो ये मेरी अपनी समझ के हिसाब से मैं क्या करूँ उसी का फल मैं निर्माण आज खुद कर रहा हूँ। मैं आई एम द मेकर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। मैं अपनी तकदीर, अपनी किस्मत का ही निर्माता हूँ। आगे चल के जो मेरे को मिलेगा वो उसका निर्माता मैं खुद हूँ। मैं खुद ही तो कर रहा हूँ आज, आज मैं उसकी नींव बना रहा हूँ। तो ये बात को आप सोचिए अच्छी तरह। तो हमने जो चार ऑब्जर्वेशन करी थी उनके अंदर जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी कि हर एक मनुष्य के पास में फ्री विल है। वो फ्री विल होते हुए, यूनिवर्सल लॉज का फिक्स्ड होते हुए, और हमारे नाना प्रकार के वैरायटीज़ में हम अपने आप को पाते हैं, और यूनिवर्स के अंदर कोई पेनल्टी ऐसा सच नहीं दिखाई देती कि लॉज ब्रेक हो जाएं, इन सब का अब हमने समझ लिया है काफ़ी हद तक कि कर्म का सिद्धांत ये सब एक्सप्लेन कर देता है। दूसरी बात हमने समझी कि भाई हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ये जो हम भोग रहे हैं और जो आने वाले टाइम में भी भोगेंगे, ये भी हमारे ही बनाया हुआ है। तो जो कर्म के जो हम कहेंगे कि जो कार्मिक लॉर्ड्स हैं, जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, वो देखते हैं कि जो हमने कार्य करे हैं उसके हिसाब से जस्टिफाई तरीके से हमें मिले। अब हम एक चीज़ को और समझते हैं कि मैन मेड लॉज में और यूनिवर्सल लॉज में जब जस्टिस होती तो कैसी होती है, इसकी भी जस्टिस में फ़र्क है। मैन मेड लॉज में तो हमने कोई ऐसा काम करा जो कि क्रिमिनल है तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं अपनी फैमिली का अकेला व्यक्ति हूँ जो कि कमा रहा हूँ पैसे और उसी से घर चल रहा है, तो जैसे ही मैं जेल में जाऊँगा वो कमाई तो हो गई बंद। मैन मेड लॉज के हिसाब से तो जस्टिस हो गई कि भाई आपने गलत काम करा, आपको डाल दिया अंदर। मगर जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका जो खाना पीना, जो रहना, जो उनका जो इनकम से वो जी रहे थे, वो उनका क्या जस्टिस का क्या हुआ? मैन मेड लॉज उनकी जस्टिस नहीं कर पाता, वहाँ पे हो गई इनजस्टिस। मेरे साथ तो कहने की होगी जस्टिस, भाई मैन मेड लॉज में ये बताया गया कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा भरोगे, हमें पहले ही बता दिया गया
कि आपने ये गलत काम करा, आपने चोरी करी, आपने लड़ाई झगड़ा करा, आपने किसी की मारपिटाई करी, आपने खून करा, आपने बम फोड़े, आपने गैरकानूनी काम करे, आपको जेल में डाल देंगे। आपको ये पता होते हुए भी आप कर रहे हो और पकड़े जा रहे हो, तो आप किसको दोष दोगे? तो यहाँ तो हो गया आपके साथ जस्टिस, सो कॉल्ड जस्टिस मैन मेड लॉज में, मगर जो आपके पीछे रह गए डिपेंडेंट्स, उनके साथ तो हो गए इनजस्टिस। यूनिवर्सल लॉज में परफेक्ट जस्टिस की हमने बात करी, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपके साथ में जब आपको फल मिलेगा, वो फल से आपके साथ के जो लोग हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, उनको भी क्या झेलना पड़ेगा, वो भी देखा जाता है। इसलिए यहाँ पे आती बात ट्रिकी। और इसी से हम आते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट पे, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव कर्म। हम अभी तक जो बात कर रहे थे वो तो बात थी क्रियामान कर्म की, एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की जिसका एक संचित कर्म है, एक व्यक्ति जिसका प्रारब्ध कर्म है, और एक व्यक्ति जो कि स्वतंत्र है एक क्रियामान कर्म करने के लिए। मगर एक व्यक्ति जैसे एक मनुष्य अकेले तो रहता नहीं है, वो ग्रुप्स में रहता है, यानी संगठनों, वो कलेक्शन में रहता है, अलग अलग संगठनों संगठ के हिस्सा रहता है वो। तो क्या होता है कि अगर मैं एक फैमिली का हिस्सा हूँ, उस फैमिली के अंदर 5 लोग 6 लोग 10 लोग हैं, तो मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ। अगर मैं एक रिलीजन है, एक कम्युनिटी है, एक पड़ोस है, एक गली है, उन सब का मैं रहने वाला हूँ, उसका मैं एक हिस्सा बन गया। मैं एक देश में रहता हूँ, उसका हिस्सा बन गया उस ग्रुप का। मैं एक शहर में रहता हूँ, उसका बन गया हिस्सा में। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ तो उसका हिस्सा बन गया मैं। मैं किसी ग्रुप के अंदर पार्टिसिपेट करके उसके मेंबरशिप ले लेता हूँ तो मैं उसका हिस्सा बन गया। मैं अनगिनत ऑर्गेनाइजेशंस का, अनगिनत ग्रुप्स का हिस्सा बन गया हूँ। जब मैं हिस्सा बनता हूँ ग्रुप्स का, उनके साथ जुड़ता हूँ, तो वो भी कलेक्टिवली एक एंटिटी की तरह काम करते हैं। उनका भी एक कलेक्टिव संचित होता है, कलेक्टिव प्रारब्ध होता है, और कलेक्टिव क्रियामान होता है। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम अलग अलग रिलीजियस लिटरेचर्स में आता है। हम जानते हैं कि कर्म का सिद्धांत जो है वो हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इन सब के अंदर आता है। मगर ये जो कलेक्टिव कर्म का सिद्धांत है, ये आपको आराम से नहीं मिलेगा इन जगहों पे। थियोसफी में इसको बहुत विस्तार में बताया गया है, और इस पर काफ़ी बोला गया कि सोच विचार करें, क्योंकि बहुत बारी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं अपेरेंटली, मगर क्योंकि हम किसी संगठन का हिस्सा हैं, किसी ऑर्गेनाइज ग्रुप का हम पार्ट हैं, तो जब उस ऑर्गेनाइज सिस्टम को कर्म आएगा तो हम उसे पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसको हम इस तरीके से और समझते हैं। हम मनुष्यता, ह्यूमैनिटी का हिस्सा हैं, और क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम ह्यूमैनिटी का हिस्सा हैं, तो हम एक कलेक्टिव कर्म रखते हैं मनुष्य के। एक कलेक्टिव कर्म है, पूरे जो ह्यूमन बींग्स हैं उन सब का एक ग्रुप है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव ग्रुप। जितने भी हैं, करोड़ों अरबों लोग जो इस प्लैनेट के ऊपर हैं, जब ये कलेक्टिव ग्रुप पे कोई कर्म टूटता है, आता है, तो सबको भोगना पड़ता है। अब इसका एग्जांपल देते हैं हम। कोविड आया 2020 के अंदर, हालांकि 19 में आया, 19 के एंड में, मगर 2020 में उसका इम्पैक्ट आया और पूरी दुनिया के मनुष्यों के ऊपर आया। कोई भी महामारी आती है तो सबके ऊपर आती है। ये एक कलेक्टिव कर्म का भोगना है। अब ये तो हो गया जनरलाइज्ड, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। इसको हम और आगे के एपिसोड में और भी बात करेंगे। हमने देखा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म और कलेक्टिव कर्म। तो मैं आशा करता हूँ आज जो एपिसोड है ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा, और मैं पुनः आपसे दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को लिखें और फिर इस पर सोचें, विचारें, और वो जो क्वेश्चन आए वो ज़रूर हमसे पूछें।
तो इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का ये एपिसोड आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।